तो आप सभी का एक और बारी फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से तुम्हारे चैनल पर, मेरे चैनल पर। मतलब हमारे आज इस नए वीडियो के अंदर आज हम लोग माइनक्राफ्ट के अजब से गजब से माइनक्राफ्ट के एक मोड प्ले करने वाला हूँ जो कि बहुत गजब होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब पहले कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो हम ट्राई करने वाले हैं KTM 1290 सुपर ड्यूक वाले मोड को, और जिसके अंदर तुमको यहाँ पे लिटरली 5 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा एक फेवरेट भाई आपको कैसे पता कि हम लोग ऑरेंज वाली ड्यूक पर घूमते हैं। टटंग टटंग ढनक डन ढनक डन। ओके भाई, ये बाइक का आवाज़ में मतलब तुम लोग जब गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना उसमें तुमको एक साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो कि तुमको बाइक्स के अंदर जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। और भाई, और ये जो बाइक है ना एक नंबर से राइड हो रही है भाई, लेकिन एक इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि जब तुम इसके ऊपर राइड करने के लिए बैठते हो तो भाई ड्राइव लिख के आता है, राइड नहीं। तो भाई तुम बाइक चला रहे हो, कार नहीं चला रहे हो भाई, बस ये एक प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक था। और भाई अभी हमारा ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है भाई, बहुत सारे फ़र्क है, और बहुत सारे कलर है उसके अंदर, क्या फ़र्क है आओ वो देखते हैं। और भाई देखो, अभी हमने नेक्स्ट लोडा है ग्रीन कलर को। और भाई क्या तुमने आज तक की कोई KTM की बाइक चलाई है वो तुम कमेंट में कताओ, और कथाओ नहीं है मैं सॉरी पताओ कमेंट के अंदर। और भाई मेरे को क्या तुमको KTM की बाइक अच्छी लगती है भाई? हाँ, लेकिन इस मोड के साथ ये प्रॉब्लम है कि फिर तुम्हारी गेम लैग स्टार्ट हो जाएगी, पहले जो तुम्हारी गेम है वो लैगिंग स्टार्ट कर देगी भाई। तो तुम ये अपने मोड को सोच हिसाब से डालना अपने। और भाई मोड तो एक नंबर है भाई, मेरा फेवरेट भाई ब्लैक कलर। जब इसको तुम स्टार्ट करते हो ना तो तुमका साउंड इफेक्ट सबसे, तुम जितनी भी गाड़ियाँ ला लो सबसे सारी इसकी अलग है थोड़ी साउंड इफेक्ट स्टार्ट होने के लिए गाड़ी की, क्योंकि बहुत सही लगती है। और भाई मुझे KTM गाड़ी तो बहुत, अब क्या कहूँ, अभी अच्छी तो होती है भाई। और भाई देखा जाए तो भाई गाड़ी एक नंबर स्मूथली चल रही है, और भाई साहब एक नंबर स्पीड में भाग रही है भाई। मतलब तुम बस उस टच आइकन पर टच करोगे चल वॉकिंग वाली, तुम्हारी गाड़ी ऑन द स्पॉट स्पीड पकड़ ले रही है। और हाँ, अगर तुम लोग तुम्हारे गेम के अंदर सर्वाइवल खेलते हो तो तुम लोग इजीली इस मोड को अपने उसके अंदर सर्वाइवल के अंदर डाल देना, लेकिन हाँ फिर थोड़ी वो चीटिंग मानी जाएगी। लेकिन बट भाई ये मोड भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा अगर तुम इसको अपने गेम के अंदर डालोगे तो। और भाई ब्लू कलर है, और भाई तुम अगर कभी इसके साथ तुम कहाँ पर नीचे वगैरह गिर जाते हो तुम लोग ईजिली इससे ऊपर भी ऐसे आ सकते हो, जैसे मैं ऊपर आ गया, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है और एक नंबर से। और भाई अटक क्यों गया, मैं पानी के अंदर आ चुका हूँ इस गाड़ी को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि अब ये गाड़ी निकल पाएगी। बस अब मेरा यही एम है कि मैं इस गाड़ी को यहाँ से निकाल दूँ जैसे जैसे करके भाई, बस अब सारा गेम तेरे हाथ में। निकल 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 निकल, और निकल गई है तो भाई अच्छी बात हो गई, निकल गई तो मुझे लगा कि निकलेगी नहीं, फालतू अटक अटक। अब भाई वापस अटक गए हम लोग तो यार। ओके, और एक ट्राई करते हैं निकलने की। हाँ, इससे तुम इजी तो निकल सकते हो गाड़ी से, लेकिन भाई इसके अंदर फिर प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉक बीच में आ रहा है तुमको उसको तोड़ना पड़ेगा, तुमको गाड़ी से उतरना पड़ेगा। तो अगर तुम एक्सपर्ट हो तो तुम गाड़ी पे तोड़ सकते हो, एक्सपर्ट का मतलब अगर तुम लोग ईजिली कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। और मेरे को एक बात इसके अंदर ट्राई करनी थी, क्या अगर हम लोग इसको इस गाड़ी को मॉप के बीच में से घुसाएंगे तो मॉप को डैमेज पड़ेगा? नहीं भाई, डैमेज तो नहीं पड़ रहा। अबे तेरी गाड़ी, अबे गलती से मैंने वो सीट का बटन, ओ अब इस छुटकू के साथ ट्राई करते हैं भाई, लेकिन बर्फ के साथ गाड़ी खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है यार। ओके चल छुटकू, नहीं भाई नहीं, डैमेज नहीं पड़ रहा यार भाई। अगर डैमेज पड़ता ना तो भाई ये बहुत सही गाड़ी थी, पर अभी भी है वो गाड़ी सही, लेकिन अगर होता तो बहुत अच्छा रहता। तो चलो गाइस, तुम लोगों ने आज के लाइक को, सारा ब्रो कमेंट को, शेयर को, सब कुछ कर लेना। तो आज के लिए मिलता हम लोगों को टेंट कर बाय। और वेट वेट वेट, और भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि मैंने थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं लग रहा, लेकिन कल से आएंगी। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब।